रात सुते पे हाँ सानू आन के मंजिया तो चुक के थले मारिया ने नाले मारिया ने सानू राम लाल ते मुंडा ओदा ते नाल तिलक राज दा मुंडा है ते दूजियां दी मैनू पछाण को नहीं पुत्र अठ दस जने सानू पछाते ट्रैक्टर लिया के तंबू ते चढ़ाता ने रस्सियां वड़ दित्तियां ने साडा कोई आल ही नहीं छड्डिया की मांग करदे तुसीं हां मेरी जायदाद मेनू मिलनी चाहीदी है मेरा यह ही है बस सब दे अगे यही अरदास बेनती है मेरी जायदाद मेनू मिल जाए होर मारकुट मैं साडा कोई हाल नहीं छड्डिया मेरी नूह दा ते मेरा ते बजुर्ग दा कोल गोलियां सन आंदे सन मारांगे तेरे सारे परिवार हुण निकल जा इत्थे इत्थों निकल जा ते वेखो सारा समान मेरा भन्न त्रोड़ कर गए ने। हाँ जी मेरा नाम चरणजीत सिंह सन ऑफ करदीप सिंह है जी ते मतलब साडी माता दे नाम जमीन है माता कश्मीर कौर नाम उन्हां दे नाम जमीन है असी अपनी मालकी जमीन इन्हां राम लाल नूं पहलां हिस्से ठेके देंदे हाँ है सानू पहला कई साल हिस्सा ठेका देंदे रहे फिर मतलब असी इतों मतलब दूर रेंदे सा मतलब पातलां वाली साइड बाद च फिर अस जदों सानू इन्होंने हिस्सा ठेका देना बंद करता असी अपनी जमीन च आके वापस रैश कर लीए चार पाँच सालों तो अपनी जमीन दे विच बैठे हाँ साढ़े को पानी का इंतजाम नहीं है इस करके अं जीरी जूरी नहीं लगा सकते दूजी फसल अं पट्ठे वगैरह बीज लें कणक वगैरह बीज लें इन्होंने साढ़े तो हूँ पिछले मतलब साल कु डेढ़ तो इन्होंने तीन चार बारी साढ़े अटैक किया जी तो जो इस तो पहला पुलिस सी उन्होंने इन्हों का साथ दिता साडा कोई साथ नहीं दिता साड़ी कोई उन्होंने एफ आई आर नहीं दर्ज की थी। ते हुण तक सानू हाँ जी कोर्ट च केस भी चलता हाँ जी हाँ जी जमीन खरीदी सी मतलब चार दी रिश्ती हो गई जी हाँ तो बाद दूजा इन्ह का बयान कैंसल करता है कोर्ट ने फिर सू टोटल जमीन 11 किले जी चार किले रिश्ती हुई जी उन्होंने बाकी साढ़े सत्त किले साढ़े को कब्जा साढ़ा जी कब्जा करना चाहते हाँ जी हाँ जी धक्के कब्जा करना चाहते हैं हाँ जी केस चल रहा जी मतलब मार्च बहस की तरीक सी उस बाद हम लॉकडाउन आ गया अजे कोई हम कोर्टा नहीं लग रही कोर्टा बंद ने इस करके कोई फैसला नहीं है अज रात जी अं मतलब सारा ही परिवार इतने रहने बच्चों समेत जी जिन्हें सारा परिवार अं इत बैठे स मतलब रात के 8-9 बजे तक असी इत रोटी पानी अपना खा के असी थोड़ी दूरी मकान मतलब किराए से लैके रह रहे हैं अजे साडी समर्था नहीं मकान बना दी इतने तो गरीब बंदे हैं जी तो असी बाकी परिवार सारा उत्थे चले गए तो मेरी माता तो मेरी घर दी ते साडा बजुर्ग ये तिने इन्हां को साडे को इंतजाम सी इत्थे मच्छरदानी वगैरह का ये इत्थे पै गए तिने जी तंबू दे बाहर सुते सन जी तो मतलब करीब 12:30 का टाइम होएगा जी 12:30 दे टाइम च इन्हां दा ट्रैक्टर नाल हैरों पाई ट्रैक्टर दे ते 10-12 मुंडे नाल जो इन्हां ने माता साडी ने देखिया मतलब ते आए ने ते मतलब उन्हां कोल दूजा कुछ कोल डांगा सन दो कोल रिवालवर सन ते इन्हां नूं आण के उन्होंने पहलां ते गालां गुलां कढ़ियां ने फिर इन्हां नूं मतलब धक्का मुक्की कीती ये जदों फिर मतलब सुते पए सन इत्थे अचानक आण के उन्होंने अटैक किया फिर उठे इन्होंने अगों मतलब कुछ बोलन दी जां रोकन दी कोशिश कीती तो अगों इन्हां नूं भी माड़ा चंगा बोले माता दे कपड़े भी पाड़े ने इन्हां जी ते मेरी घर दी नूं भी मतलब आंदे भी तैनूं भी मार दांगे गोली मेरी घर की फिर डर दी पिछे हट गई इन्हों तो मतलब साढ़े आ ने मकान ने उन्होंने वाली साइड न हो गई बजुर्ग न भी धक्के मारे ने इन्हें मतलब बजुर्ग ने साढ़े हाँ जी हाँ जी फिर असी मतलब फोन किया एस एच ओ साहब न उन्होंने भेजे फिर मुलाजम तो उन्होंने आने तो पहला ये मतलब इतों भज गए सन जी ट्रैक्टर इन्हों का गड़ गया अपने इन्हों के मकान के कोल जाके ट्रैक्टर उत्थे ही है ट्रैक्टर की मूवी असी बनाई है हाँ जी दरखास्त लगा बाद फिर जाके असी दरखास्त लगा के आए 2:30-3 बजे के टाइम अपार सिंह जी सरपंच पिंड जुलकां तो जी जो मैं सरपंच बनया मेरे को माता गेड़े मारदी माता के बजुर्ग भी हड्डी जमीन है
तो चलो कागजों के इन्हों की जमीन पहले साढ़े बजुर्गों के नाल कट्ठे रहे इन्हों की जमीन ये कोई शक नहीं। इन्हें बयाना किया 92 वो बयान के चार किलों की रजिस्ट्री तो राम लाल के ना हो गई है। बाकी जोड़ा उन्होंने बयाना ही एक धिर होर बयाना होने करके जी रजिस्ट्री रुक गई ही वो रजिस्ट्री इन्हों की हो ही नहीं। तो वो जो फिर इन्होंने दूजे बयान ने स्टे लैके जो इन्हों का केस चलिया वो दोवें जोड़े बयाने खारज हो गए हैं। उस तो बाद 92 तो बाद 10 च दोवें पार्टियां हार गई इन्होंने बयाने जोड़े ने कोर्ट ने कैंसल करते हैं। तो माता का हक है जमीन पर यह गरदौरी दे अपने मान लो वे जिमें फीम वेचते हैं जिमें इन्हों का रसू के वो दम से गरीब परिवार वाले धक्का करते हैं धक्का भी बहुत ज़्यादा करते हैं। पहला होने वाले जोड़े इंस्पैक्टर साहब आए ने तो बहुत सही ने उन्होंने रात इन्हों की मदद भी की है। रात इन्हों के मुंडे दारू पी के इन्हों देखो जिते इन्होंने टेंट ला के बैठे हैं सारा समान भी तोड़िया भन्या भी साड़िया सारा कुछ किया माता भी बेचारी धक्का मुक्की इन्होंने किया। तो जेडे पहला हम गुरप्रीत सिंह भिंडर जी वो शरेआम इन्हों डेरे से बह के इन्हों की पैली बनते रहे हैं जबकि पुलिस ने कोई हक नहीं भी किसी की जमीन बिना कोर्ट के आर्डर तो बनता उन्होंने इन्हें मदद की होने वाले इंस्पैक्टर जे आए उन्होंने रात इन्हों डकिया नहीं तो रात इन्हों का ज़्यादा नुकसान कर दे। एक एक भिंडर जो गुरप्रीत सिंह भिंडर इंस्पैक्टर सन इतने हल थाने इंचार्ज उदो इन लड़ाई जो हुई है 26 का इन्होंने परचा बनता है डॉक्टरी रिपोर्ट के हिसाब से दंद टुटे ने बुल वड्या गया सारा कुछ तो उन्होंने अजे तक इन्हों की कोई थाने के एफ आई भी नहीं लिखी हैगी। दूजे नंबर पर जो मेरे को चलो सरपंच होने करके अपने को जाते हैं सांझे बंदे आना पैंता अगे इन्होंने मेरे तो झूठा नाल मेरे भी परचे दर्ज कराए ने 341 323 506 447 511 148 49 जबकि बिल्कुल झूठे ने नुकसान इन्हों का किया कुटमार इन्हों हुई है दंद इन्हों के तोड़े ने सट्टा इन्हों लाइया 26 इन्हों बनी तो परचा झूठा नाल मेरा भी ना पा के इन्होंने करता है। तो सर कैप्टन साहब अगे सरकार अगे यही अपील है भी जो झूठा परचा इन्हों का रद्द किया जाए गरीब परिवार को जोड़ा इंसाफ दवाया जाए ये ब्लैकीए ने इन्हों की जमीन का जितों मर्जी पता कर सकते हो कि इन्हें कोई मालिक किन्नी ही होनी कि जमीन जमीन ज्यादा के मालिक ने सारे इलाके में पता अपन तो यह जोड़ा गरीब परिवार है उन्होंने इंसाफ दवाया जाए बस जी मैं तो यही कहूँगा जी। नहीं जी कोई कुटमार नहीं हुई कोई कुछ नहीं होया जी ना किसी ने कब्जा कर कब्जा साडा पहले ही है जी। ये पैली सन 1992 दे विच पैली लई सी असीं इन्हां कोलों कश्मीर कोल कोलों 1992 दे विच दो रिश्तियां साडियां हो गईयां सी बयाना लिख लिखा हो गई सारा कुछ हो गया दो रिश्तियां असीं करा लईयां सी तीन रिश्तियां साडियां लिखियां पईयां राष्ट्र रिश्तियां ते इन्हां दे साइन भी हो गए एक तीजी धिर होर पार्टी सी उन्होंने स्टे लैं दा साडियां रिश्तियां रुक गईयां उदू बाद फिर दूजा गल पहलां 20 साल 22 साल तो उन्होंने लड़ते रहे उन्होंने तो बाद फिर हुण इन्हों क्या रिश्तियां कराओ एक कि ना जिस तो पैली नहीं बेची तो स्टाम जो क्या कागज़ पत्र सारे साढ़े को पे हैं अं खरीदे हुए इन्होंने आप खरीदे कागज़ ता ही रिश्ती होंगी इन्हें आप खरीदे कागज़ तो हूँ बस एवं आके इतने बह जाते जो ट्रैक्टर जो उन्हें अगे लंबे पै जाते हैं आके भी मरेंगे असी दी जी जे करेंगे वो करेंगे धक्के हरासमेंट कर रहे हैं एक कोई गुरसरन कौर है कोई कोई मैंबर मुंबर है पता नहीं कि की है जी वो चेयरमैन है महाराणी साहब ने बनाई हुई वो जो कि माड़ी जी गल होंगी फोन मार दी है ना जी इस तरह भजा दो उन्होंने इंटरफेयर करती है जी वो गुरसरन कौर है कोई चेयरमैन है कोई पता नहीं कि महकमे की आ खराब कर रही है साड़ी पैली थे 45 हाँ जी ये जमीन कश्मीर को तो मुल ली है जी आप स्टे लगा हुआ है ये खिलाफ भी पैली च ना बढ़ सकती है ना बेच सकती है डिग्री हुई हुई है 14 च मेरे ना डिग्री हुई है 14 सारी पैली की सारी की 72 बिघिया की इतने 145 लाती कोर्ट ने चलो लुआती पुलिस ने लुआती 145 लुआती उदू बाद फिर की हो 45 साढ़े अक् टुटी साढ़े को कब्जा लिया से सानू कोर्ट ने फिर देता एस डी एम साहब ने आ के तहसीलदार ने कानू गो पटवारी आ के सू कब्जा दे गए सारे जोड़े पैसे वह ठेका से जमीन का वो मुआवजा वो सारा सूँ मिलया वो भी असी लिया तो मुड़ के असी हूँ कोई कि इन्होंने साढ़े खिलाफ़ पाई सी रिट भी ये डिग्री गलत हुई है तो वह इन्हें डिसमिस हो गई है जी हूँ इन्हों का कोई केस नहीं है कोई कुछ नहीं है असी पाया हुआ केस भी रजिस्ट्री कोर्ट के थ्रू साड़ी हो जाए 22 तरीक ऐसे महीने की पई हुई है। हाँ जी तो वो एक दी तरीक कोई कोई कुटमार नहीं जी कोई कोई भैली च नहीं गया कोई कुछ नहीं कोई ना बंदरा आया इतने कोई ना कोई है सी कोई उत्थे आर जी हाँ जी टेंट जहाँ ला के बह जाते हैं आरा वट के उत्ते रात में उतर जाते हैं सवेरे फिर आ बह जाते हैं इन्होंने बहुत सानू उलझाया हो ज़्यादा तंग कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਏ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ
उन्हें जाके मौका देख लिया उसे खेत के दो तीन रैल ही मारियां ट्रैक्टर दिन ट्रैक्टर खड्डे डिगया पाया सीगा तो इन्होंने टेंट वगैरह फटिया होगा उन्हें माता के बयान ले लिया बयान लिख तो बाद मैं अपने सीनियर से दसता सारे बयाना तो पड़ताल चल रही है जो दौरान पड़ताल कर रही सच्चाई सामने आएगी वो मुताब कार्रवाई की जाएगी अजे होर कोई करना कोई बंदा गिरफ्तार किया जमीन साड़ी है माता कहती है इन्होंने कोर्ट केस चलते हैं वो पड़ताल कर रहे हैं कि हक है पहला तो यह हैगी 11 किले जमीन 11 4 किले रजिस्ट्री हो चुकी है 7 किले का स्टेज 2 होया कोर्ट केस चल जो तो अं गए थे उदो भज भुज गए थे रात ड्रिंक वगैरह की हुई थी इन्होंने पंतों के पर पंत कहता कि मैं राजू सिंह का मुंडा जुलकों का उन्होंने ठेके दिती हुई है कि उन्हें वही है इस संबंधी पड़ताल कर रहे हैं बाद पड़ताल जैसी सबूत होगी वैसी कार्रवाई जाए जी पंडित ने इन्होंने कहने मुताब अं ठेके दिती है राजू नाम का मुंडा पिंड का जुलकों का ही है उन्होंने ठेके दिती है अर्जी वो बन गया यही पड़ताल कर रहा रात का प्लान सगा तुहाडे जाण तो पहले बंदे भज गए थे हुण किन्ने वाही है किन्ने वहाई है ये बारे पड़ताल चल रही है बाद पड़ताल जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई मुतले अंदर होगी।